अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, एक नया दिन है और एक नया व्लॉग है, और मैं इस वक्त कर रही थी धनिया साफ़, क्योंकि धनिया ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, बस इसको जो है ना मैं इसके धागे निकाल के इसको खोल कर रख दूँगी, ताकि जो है ये इकट्ठा एक जगह पर रहेगा तो फिर ख़राब हो जाता है। तो बस इसी तरह मैंने इसको खोल के अच्छे से साफ़ कर लिया, और यहाँ पे देखें इस तरह सेट करके मैंने रख दिया ताकि लेने में भी आसानी हो। आपको क्या चाहिए बेबी? झूले लगा दूँ? बच्चों ने पढ़ लिया यहाँ पर और फ्री हो गए हैं, खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? चोट ना लग जाए ना। आराम से, अहमद ना गिर जाए। मैंने सूखा धनिया मंगवाया, जीरा मंगवाया गरम मसाले में, ये बड़ी इलायची मंगवाई है। ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। साथ साथ ईमान भी यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रही है, क्योंकि इसके बाबा भी सामान लेकर आए थे, तो बाहर से मैंने कहा मेरे साथ रखवा दो, और जो जो सामान फ्रिज में रखने वाला है वो ईमान रख देगी, और जो मेरे करने वाले काम है वो मैं कर रही हूँ। ये मैं इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ लहसुन और अदरक, फिर जो है ना मैं बना कर फ्रीज़ कर देती हूँ। मम्मा बस फ्रिज में रखेंगे इसको। चावल भी क्योंकि ख़त्म हो गए थे तो चावल भी अब मंगवाए हैं। मन लाइट जलाओ ये वाली। यहाँ पर जी हो रही है नाश्ते की तैयारी। यहाँ पर हो गया जी नेक्स्ट डे स्टार्ट, और सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही थी। हस्बैंड घर पे थे तो उन्होंने भी नाश्ता करके जाना था। मैंने कहा चलिए मैं मीठे स्लाइस बना लेती हूँ, क्योंकि वो भी शौक से खाते हैं चाय के साथ, तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस मैं सबके लिए जो है ना मैंने मीठे स्लाइस बना लिए थे और चाय बना ली थी। स्लाइस इस तरह से कट करके ना बनाने में भी आसानी होती है। आप पैन में जो है ना आराम से मैं डाल के तो काफ़ी सारे बन जाते हैं एक साथ, और चाय के साथ डिप करके खाने में भी इजी रहते हैं। इसीलिए बस मैंने ना इनको छोटे छोटे स्लाइस करके और कटिंग करके इनकी और फिर इनको बनाया। ये है यहाँ की सफाई रूम की। बनाने लगी हूँ मीठा, स्वीट डिश है हला, और अहमद को मैंने अभी कर दिया है फ्रेंड। क्लीनिंग मेरी हो गई है डन, और ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। एंड अभी आपको दूसरा दिखाती हूँ, ये वाला रूम भी हो गया है क्लीन, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ऑफ कर देते हैं। आ जाओ। अल्लाह के लिए मुझे बिस्किट चाहिए थे, और ये मुझे चाहिए थी क्रीम, ये मैंने मंगवा ली हैं। क्या चाहिए? बिस्किट? ठीक है मैं आपको देती हूँ। ये भी व्हिपिंग क्रीम भी, हल्का सा मैंने दूध को नीम गरम कर लिए। मैं इसको खोल के इसके अंदर डालती हूँ, और ये वाली क्रीम इसके अंदर साथ मिक्स करेंगे। मैंने नीम गरम करके रख ली है, अब हम जो है ना इसमें ये क्रीम डाल देते हैं। मैंने डिश ले ली है, और हम इसमें एक एक बिस्किट को डिप करते जाएंगे नीम गरम दूध में, और यहाँ पर लगाते जाएंगे। बस हल्का सा ही डिप करना है, ज़्यादा नहीं वरना टूट जाएंगे बिस्किट। लेयर लगा दिए, अब हमने जो ये क्रीम बनाई है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे।
बस इसी तरह एक और लेयर लगाएंगे बिस्किट के ऊपर, क्रीम डाल देंगे तो ये हमारी जो है हमारी स्वीट डिश रेडी हो जाएगी ईजी सी। इसको ठंडा होने के लिए अच्छे से जो है ना फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो अभी अच्छे से ठंडा हो गया, बल्कि मुझे थोड़ी देर निकाल के इसको बाहर रखना पड़ा है, तो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। ये देखें साथ बन रही है चाय। अस्सलाम वालेकुम। और जी यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, तो बच्चे रात को यहाँ पर खेल रहे थे तो ऐसे ही बस उनके टॉयज़ वगैरह पड़े हुए हैं, फिर मैंने भी नहीं उठाए। मैंने कहा चलो अभी जो है ना अहमद आएगा, दोबारा उठकर सो रहा था तो फिर खेल लेगा। मौसम देखा आपने बाहर कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ था, बादल आए हुए थे। अभी इस वक्त जो है ना 9 बजे का टाइम था। अच्छा, मैंने उठते साथ जो बर्तन होते हैं रात के वो सारे वॉश करके यहाँ पर रख दिए हैं, सिंक वगैरह जो है वो क्लीन कर दिया था। रह गया था अब पानी भर के रखना फ्रिज में, तो बस अब वो करूँगी। अभी बच्चे उठ गए हैं तो मैंने कहा मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ये है कलेजी और साथ में बना रही हूँ पराठे, एग बना दूँगी। अहमद जब उठेगा तो वो कर लेगा, अभी सिर्फ ईमान और मैं नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता मैंने और ईमान ने कर लिया था और अभी हम अंदर रूम में लेकर ही गए थे तो अहमद भी उठ गया था, फिर खैर उसने भी हमारे साथ नाश्ता कर लिया था इसलिए मैंने फिर उसके लिए दोबारा नहीं बनाया। और उसके बाद मुझे बनाना था खाना, तो बस मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी। वैसे तो सब कुछ था घर पर, बस दूध और मुझे क्रीम चाहिए थी, ये चीज़ें मंगवाई हैं। पर मैंने बनने के लिए रख दी है प्रेशर में यखनी और पुलाव के लिए, और उधर मैंने चाय रख दी है। अपनी चाय बनाएंगे और यहाँ पर यखनी रख दी है। अभी सौंफ धनिया डालना है, सौंफ है। अभी भी उठ गया नोना, नाश्ता कर लिया था तो बस अब चाय बनने के लिए रखूँगी अपने लिए, साथ साथ कुकिंग भी हो रही है। बस जी किचन मेरा क्लीन हो गया और मैंने यखनी भी बनने के लिए रख दी है और ले ली है अपनी चाय हाथ में। अब जाऊंगी, लाइट ऑफ कर दी है, आराम से जाके चाय पी के फिर वापस आऊँगी। अपने टॉयज़ क्यों बिखेरे हैं सारे? मामा रात सो गई थी तो आप हैना के साथ खेल रहे थे यहाँ पे, आपने सारा यहाँ ज़ारा ने ठीक है वाओ, आप ही ने नोना सजाया है वाओ। पिज़्ज़ा भी बनाया था, और दिखाओ पिज़्ज़ा दिखाओ। भुट्टा भुट्टा आपको किसने सिखाया इसको भुट्टा बोलते हैं? पिज़्ज़ा बच्चे आते हैं ना दोनों पढ़ने, उनके साथ खेलते हैं ना ब्लॉक्स। बस बस कहाँ है आपकी, आपकी अपनी बस कहाँ है? ये तो ब्लॉक्स है ना, अपनी बस दिखाओ। चलो आपको फ्रेश करवाऊँ, नहाओगे? नहीं, नहीं? बस।
अभी आप खेलो कि मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं आप तुम जो है ना फ्रेश करवाती हूँ, ठीक है ना? या नहीं करवाती हूँ? ना। ओ नो, कुछ नहीं होता, तो नहाने से बहुत डरता है ना। पानी ठंडा है, पानी ठंडा है, मम्मा ने आपके लिए भर के रखा हुआ। क्यों? अच्छे बच्चे नहाते होते हैं। ले आओ, मैं बना देती हूँ आपको। बस ये चम्मच भी काम आ जाएंगे। बस यहाँ पे ये धो के रख दिए हैं, और ये भी लेकर आई हूँ छोटी प्लेटें सारी, इनको भी अच्छे से वॉश करके मैं रख दूँगी ताकि जो है ना ड्राई हो जाए। और यहाँ पर डिश वगैरह रख दिए हैं धोकर। बस साथ साथ मेरे ये काम भी चल रहे हैं और साथ साथ कुकिंग भी हो रही है। और यहाँ मैं फिर से जो है वो खीर बना रही हूँ। पहले मैंने बनाई थी तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई थी, तो वो माशाल्लाह खा ली थी, एक दो दिन में, एक डेढ़ दिन में खा ली थी। तो अब जो है ना मैं फिर से दोबारा खीर बना रही हूँ, अब ज़रा थोड़ी ज़्यादा बनाई है। हाँ, कुकिंग कर रही हूँ और बच्चे भी यहाँ पे साथ ही मेरे बैठे हैं, रूम में खेल रहे हैं। आज मैंने कहा इसी रूम में बैठूँ मेरे पास ही, ताकि मैं ना यहाँ किचन में आराम से कुकिंग कर सकूँ। तो मैं आप लोगों को भी साथ साथ जो है देखती रहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम, ऐसे कर दें, सबको हाय कर दें। तो मैंने जो है ना अच्छे से जो हमारा मटन है इसको फ्राई कर लिया मैंने ऑयल में। अब मैं इसमें डालूंगी बिरयानी मसाला। दही में मैंने इसको जो है ना मिक्स कर लिया था, और साथ ही हम डाल देंगे टोमेटो पेस्ट। अब इसको मिक्स करते हैं, और अभी देखें इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है। और जी सैलेड भी मेरी रेडी हो गई है, और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बाउल बनाया है मैंने। यहाँ पर जो है मैं पुलाव को बस अब दम लगाने लगी हूँ। हरी मिर्ची मैंने डाल दी है दम पे। ईमान दिखाएं, अपना ड्रेस दिखाएं ना पूरा, थोड़ा सा पीछे जाएं। ईमान ने आज पहना है, ईमान की नानू ने भेजा था पाकिस्तान से ड्रेस, आज फर्स्ट टाइम पहना है। बस बाल बनाने रह गए हैं ना, वो मैं अभी बना देती हूँ आपके। और इसके साथ ईमान ने अपनी पहनी है न्यू ब्रेसलेट, दिखाओ अपनी ब्रेसलेट दिखाएं, ये वाली मैच भी हो गई, अच्छी लग रही है, ठीक है। टीवी के पास जाएं। बस ये अब इस वक्त खाने का टाइम हो गया था, और मैंने जो है ना बस खाना लगाना शुरू कर दिया है। राइस ईमान अंदर ले गई है, और मैं ईमान को देने लगी थी सालन डालकर, तो देखा कि मैंने तो इसकी गार्निशिंग ही नहीं की, भूल गई। साला के सब कुछ मैंने काट के रखा हुआ था, इसमें मैंने मक्खन डाला हुआ, मक्खनी हांडी बनाई थी, तो अब मैंने फिर इसको ना गार्निशिंग कर दिया था। तो जी बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।